आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। હાલ શાળાઓમાં નવા સત્રની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, ત્યારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન મળે અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય થાય તે માટે વડોદરાના અધ્યયન ફાઉન્ડેશન દ્વારા અનોખું બીડું ઝડપવામાં આવ્યું છે। નવા સત્રની શરૂઆત થતાની સાથે ચોપડા અને કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। પાદરા તાલુકાના લકડીકોઈ ગામે જ આવેલી પ્રાથમિક શાળાના કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યો, જ્યારે કાર્યક્રમમાં અધ્યયન ફાઉન્ડેશનના તમામ સભ્યો સહિત ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર શિવાની સહિત જે टीम है खास उपस्थित रही थी। सतेज गामना सरपंच राजूभाई तेमज लोको पण हाजर रहा था। दीप प्रागट्य करी शुरुआत करवामां आवी हती। महानुभावोनुं पुष्पगुच्छथी स्वागत पण करवामां आव्युं हतुं। 70 जेटला विद्यार्थीओ माटे स्कूलनी किट एटले के चोपड़ा अने पेन्सिल सहित आ किटनुं वितरण करवामां आव्युं हतुं। वृक्षारोपणनो कार्यक्रम पण योजायो हतो। वृक्षोनो उछेर करीने पर्यावरणनी जतन करवानी अपील पण करवामां आवी हती। अध्यान फाउंडेशन की तरफ से आप सबको नमस्कार। हम अध्यान फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे लकड़ीपुरी गांव में आए हैं। अध्यान फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी में, जहाँ पे हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर बच्चे को वही हेल्थ, वही फूड और वही एजुकेशन मिल सके जो हम सबको मिलता है। तो हम अध्यान फाउंडेशन की तरफ से यही बताना चाहेंगे आप सबको कि हम सब मिलकर एक चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली आज आए हैं लकड़ीपुरी प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे हमने एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किट्स डोनेट किए हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किया है। एंड देन हमने प्लांटेशन करके सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारा टेम्परेचर 50, 52, 51 तक जा रहा है, उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमें एक प्लांटेशन के द्वारा एक शुरुआत करनी चाहिए जहाँ पे हम सोसाइटी को कुछ दे सकें, ना कि बस लेने का काम करें। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए हर बच्चा अच्छे माहौल में पले बढ़े, अच्छा एजुकेशन पाए और अच्छा हेल्थ मिले उनको, इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अध्यान फाउंडेशन और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी देते हैं, हम सबको हेल्थ चेकअप करवाते हैं। बच्चे जो गांव-गांव में पढ़ते नहीं हैं उनको मोटिवेट करके एक एजुकेशन को प्रमोट करते हैं ताकि वो स्कूल जा सकें। और CSR एक्टिविटी के थ्रू काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जिनका हम गाँव गाँव में सपोर्ट पहुँचाते हैं।